ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर के विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां एक हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर बिजली के ट्रांसफार्मर पर गिर पड़ा। इसके बाद कई घरों में करंट फैल गया। वहीं एक दुकान पर बैठी महिला और उसके परिवार के दो लोग एक एक करके करंट की चपेट में आ गए। पड़ोसियों की मदद से सभी करंट से प्रभावित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खास बात यह है कि घंटों बाद भी अधिकारियों को मामले की जानकारी ही नहीं मिली थी। स्थानीय लोगों ने जब पुलिस और प्रशासन से घटना की शिकायत की तब इसके बाद पुलिस अस्पताल में करंट से प्रभावित लोगों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंची। क्षेत्र में कई घंटों से बिजली भी गुल है। दरअसल उपनगर ग्वालियर थाना क्षेत्र के कोटेश्वर कॉलोनी में माता के मंदिर के सामने रिहायशी बस्ती है। यहां रहने वाली पुष्पा राठौड़ अपनी किराने की दुकान पर बैठी थी। उनका हाथ दुकान में लोहे की किसी चीज पर गया और वह छटपटाने लगीं। इस बीच बेटा राजेंद्र राठौड़ उन्हें बचाने पहुंचा। वह भी करंट से झुलस गया। इसी तरह बहू गायत्री राठौड़ भी करंट की चपेट में आ गई। एक एक करके एक ही परिवार के तीनों लोग करंट से झुलस गए। वहीं कई घरों में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान हाई वोल्टेज के कारण फूंक गए। दरअसल घनी बस्ती के ऊपर से गुजरी इस लाइन को हटाया जाना था, लेकिन बिजली कंपनी के उदासीन रवैये के कारण हाई टेंशन लाइन शिफ्ट नहीं की जा सकी है। शहर के अन्य क्षेत्रों में भी बस्तियों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजरी है, जिसके कारण समय पर हादसे होते रहते हैं। क्या नाम है आपका? हरिमोहन राठौर। क्या घटना हुई थी? ऐसे डीपी हाई टेंशन लाइट का तार टूट गया, डीपी में चिपक गया। डीपी ब्लास्ट हुई तो उसका करंट पूरे उसमें मोहल्ले में आ गया। तो इनके घर में दुकान है, तो जो बैठी थी वही मशीन थी छोटी सी पपड़ी की, तो उनने जैसे ओवन टाइप का, तो उनने हाथ जैसे लगाया, उसी पीरियड में करंट आना हुआ, तो ये झिलझिलाने लगी। उतने में उनकी बहू आ गई, उतर गई, उनने कहीं चाय देने आई, तो उनने भी हाथ लगाया, वो ही चिपक गई। लड़का आया तो वैसे तीन जने चिपक गए, तो जल गए पूरी तरियाँ बताऊँ, और बहुत काफ़ी नुकसान भी हुआ उसमें, दुकान में भी आग लग गई है। ये घटना हुई थी। कौन सी जगह की घटना? ये कोटेश्वर मंदिर के वहाँ पर काली माता मंदिर है, उसके जेट सामने। क्या क्या नाम है इनके? कौन? इनका नाम पुष्पा देवी है, उनके लड़के का नाम है राजेंद्र राठौर, उनकी बहू का नाम है गायत्री राठौर। लगभग कितने घरों में करंट फैला? करंट तो फैला वो कम से कम 20-25 घरों में, पर किसी का फ्रिज, किसी का कुछ जल गया। मतलब लोग कितना क्या नुकसान हुआ? अब तो अंदाज बता नहीं सकते अपन। अभी कैसी स्थिति है? अभी तो ठीक है, नॉर्मल। अभी इलाज चल रहा है? अभी इलाज चल रहा है, और देखो रिपोर्टें आ जाएंगी तब बताएंगे। अभी हाई टेंशन लाइन गिरी, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ है ये जानकारी तो मुझे, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, पूरा घटनाक्रम की जानकारी देंगे वो। परंतु अभी तत्काल जो भर्ती हुए तब भी मेरी डॉक्टरों से बात हुई, अभी बात हुई है, तीनों पीड़ितों को 40-40 हज़ार रुपये मेरे मंत्री से चंदान से मैं दूंगा, और इलाज बेहतर होगा। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय वीडी शर्मा जी, माननीय श्रीमती ज्योतिराज सिंधिया जी, वरिष्ठ नेताओं ने भी इस बात में, उन्होंने मुझसे पर्सनली भी कहा, और मैं यहाँ आकर के मेरे क्षेत्र की घटना है देखा, परिजनों से मिला, और इनका इलाज चल रहा है, खतरे से वो बाहर है। लापरवाही के बारे में मैं कोई टिप्पणी अभी नहीं करूँगा। मैंने कहा आपको, मैंने सी को निर्देश दिए हैं, मुझे वो रिपोर्ट देंगे, इसकी पूरी जांच करके फिर उसके बाद कुछ। सूचना ये मिली थी कि ये लोग इलेक्ट्रिकल हाई टेंशन लाइन गिरी है, इस कारण झुलस गए, ऐसा सूचना मिली, उसी आधार पर मैं आया। तीन लोग हैं कोटेश्वर कॉलोनी, फिलहाल वो जैसा डॉक्टरों से चर्चा हुई है स्वास्थ्य खतरे से बाहर है।